नमस्कार, HDFC बैंक में आपका स्वागत है सर। मेरा नाम प्रियंका है। ये कॉल आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए किया गया है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? जी बिल्कुल, मेरा नाम नंदू कुमार पी है। बहुत धन्यवाद सर। और मुझे उम्मीद है आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे हैं। आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, एक सफेद कागज, नीला या काला कलम सर? जी बिल्कुल, सब है मेरे पास। ओरिजिनल पैन कार्ड, पेपर, पेन सब है। इस कॉल पे आपसे कुछ वेरिफिकेशन के सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको केवल कैमरे में देख के बताना होगा। कोई और आपकी मदद ना करे प्लीज, आप ही को बताना होगा। ठीक है, तो मैं आपसे वेरिफिकेशन के सवाल पूछ रही हूँ सर। क्या मैं ये जान सकती हूँ आज आपने हमें कहाँ से कॉल किया है? आपका शहर और राज्य क्या है सर? हाँ जी, मैं आज शहर कोयम्बतूर से कॉल कर रहा हूँ, राज्य ये तमिलनाडु हो गया। तो सर अभी आपके स्क्रीन पे 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन का नंबर भेजा गया है, प्लीज उसे पढ़िए। 171644। बहुत धन्यवाद सर। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 अंक क्या हैं? वरना आप पूरा बता दीजिए सर। 5191। बहुत धन्यवाद सर। एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा क्या मैं ये कंफर्म करूं कि आप नौकरी करते हैं सर? हाँ जी। धन्यवाद सर। एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा क्या मैं ये कंफर्म करूं आपकी जो साल भर का इनकम है सर वो 3 से 5 लाख रुपए के बीच में आता है? हाँ। थैंक यू सो मच सर। अब मुझे आपके पैन कार्ड की तस्वीर निकालनी है कुमार जी। आपके स्क्रीन पे नीचे देखिए कैमरे का आइकॉन है ऑरेंज कलर का, उसे क्लिक कीजिए। ये मेरा पैन कार्ड। बहुत धन्यवाद सर। जरा कैमरे में देख के मुस्कुराइए ताकि मैं आपकी एक अच्छी वाली तस्वीर ले सकूं। थैंक यू सो मच सर। अभी फाइनल स्टेप होगा आपके सिग्नेचर के वेरिफिकेशन का, उसके लिए आपको फिर से बैक कैमरा स्विच करना है। बहुत धन्यवाद। तो कुमार जी, ये मैं आपके कंफर्मेशन के लिए कहने जा रही हूँ। अभी जो सिग्नेचर आपने मेरी मौजूदगी में किया है, ये वाला सिग्नेचर मैं आपके बैंकिंग रिकॉर्ड्स में अपडेट करना चाहूंगी, जो कि आपके पैन कार्ड से जरा सा ही अलग है। क्या आपकी सहमति है इस सिग्नेचर पे? हाँ चलेगा, यही है मेरा साइन। बहुत धन्यवाद सर। तो इसी के साथ बधाई हो सर, आपकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है आपके नए अकाउंट की। आपको 24 घंटे में कंफर्मेशन के SMS के साथ अकाउंट के इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। 2 लिंक आएंगे सर। एक लिंक होगा इंस्टा फंडिंग का लिंक, जिस लिंक का इस्तेमाल करके आप अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अपने अकाउंट को फंड कर सकते हैं। आपको उसके लिए भी ब्रांच जाने की दिक्कत नहीं आएगी सर। अन कुमार जी, आपको मेरी सर्विस कैसे लगी इस कॉल पे? कुछ फीडबैक है आपका, कुछ कहना है आपका? बिल्कुल, प्रोसेस बहुत ही अच्छा था, काफी जल्दी हो गया, आराम से हो गया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।